नमस्कार। आगे की वीडियो में हमने व्यंजन देखे क से लेके थ तक। आज हम देखेंगे अलग अलग चित्र तो दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे कौन सा व्यंजन बनेगा और कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। अब हमें ये पहला चित्र किसका दिखाई दे रहा है? ड। ड से क्या होगा? डमरू। वेरी गुड। डमरू कौन लेता है? शिव जी। ड से डमरू। से होगा डमरू। अब ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है? कुछ आइडिया आ रहा है? नहीं। कुछ डब्बे जैसा दिख रहा है। वेरी गुड। अब इसके ऊपर है ड से ढक्कन। ड से क्या होगा? ढक्कन। वेरी गुड। अब ये हमें दिखाई दे रहा है सांप का मुंह। सांप का मुंह ही क्यों दिखाई दे रहा है? पीछे का भाग कहाँ गया? सांप का पीछे के भाग से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें यहां से मतलब है। अब होगा ण। ण से क्या होगा? फन। ण से होगा फन। अब त से क्या आएगा? त से क्या आएगा? जो हमें बहुत ही पसंद है। त से होगा तरबूज। वेरी गुड। अब ध से क्या दिखाई दे रहा है? कुछ ग्लास जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तो एक पट्टा भी है और ढक्कन भी है, तो क्या होगा? ख। ध से होगा थर्मस। वेरी गुड। ध से होगा थर्मस। अब आता है हमारा द। द से क्या होता है हमारा? दरवाजा। दरवाजा जो हमारे घर में भी होता है, क्लास में भी होता है, कई जगहों पे हमें दरवाजे तो दिखाई देते हैं। अब यह क्या है? द के बाद क्या आता है? द। द से क्या होगा? धनुष। जो हमें भगवान, हम भगवान की तस्वीरें देखते हैं उनमें दिखाई देता है कि वह धनुष लेके खड़े रहते हैं, हमें आशीर्वाद भी देते हैं। अब आएगा द के बाद न। न से क्या होगा? नल। वेरी गुड। अब कौन सा व्यंजन आएगा जो बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है? कौन सा है ये वाला व्यंजन? वेरी गुड। प। और से पतंग। गुड। आप आएगा यह कुछ फटाके जैसा लग रहा है, और फटाके जैसा दूसरा क्या होता है जिसमें पानी भी आता है, उसे क्या बोलते हैं? फौसे होगा फवारा। जो शोपीस के रूप में भी दिखाई देता है और हमारे बाथरूम में भी होता है। अब आया हमारा बसी। क्या होगा? बस। वेरी गुड। आज के लिए इतने ही व्यंजन एक बार हम पढ़ लेते हैं। ड से डमरू। ड से ढक्कन। ण से पेन। त से तरबूज। थ से थर्मस। द से दरवाजा। द से धनुष। न से नल एवं प से पतंग। फ से फवारा और ब से बस। यह सारे व्यंजन हमें हमारी कॉपी में लिख के रखने हैं एवं हमें याद रखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। अस्तु।